फ्री बॉडी डायग्राम से याद आया कि जब वो प्रेयर में लाइन में खड़े होते थे तो एक दोस्त इधर से मारता था, एक दोस्त इधर से कोनी मारता था, एक आगे एक पीछे, और आगे वाला चिल्ला रहा होता था, अबे ओए पीछे से धक्का नहीं देना। तो यार उस समय अगर कोई मेरा रिजल्टेंट बनाता और फोर्सेस बनाता तो इतने सारे बन रहे थे ना कि देखते देखते थक जाते। खैर, इस वीडियो में हम बहुत सारे फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, यानी कि हम बात करने वाले हैं फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। तो भाई बहुत सारे फोर्सेस जब किसी पर लग रहे होते हैं तो वो सारे फोर्सेस आप बता दो कि क्या क्या लग रहे हैं, तो वो जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है उसे अपन बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। कुछ नया नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपको एक छोटा सा कोट देता हूं बाबा जी के बूटी सेक्शन में, और उसके बाद हो जाएगा आपका काम खत्म। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। तो भाई बूटी सेक्शन में सिर्फ आपके लिए इतना है कि आपको याद रखना है WNTA, WNTA, बस इतना याद रख लो, काम हो गया आपका। WNTA, ठीक है, बस इतना याद रखना, कहीं लिख लेना, और आज के बाद जितने भी फ्री बॉडी डायग्राम बना उनके साइड में लिख लिया करना WNTA, काम हो जाएगा आपका। अब बताता हूं मैं इसका लॉजिक क्या है। तो भाई कितने फोर्सेस लग सकते हैं किसी के ऊपर, वो ये हैं, इससे ज्यादा की बात ही नहीं करनी अपन को। भाई वेट ऑफ द बॉडी दुनिया में यूनिवर्सल है, दिमाग में बिठा लो इसको, W = mg, मास ऑफ द बॉडी इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एंड ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। मैं ऐसा खड़ा हूं, मेरा हाथ ऐसा रखा है, मेरा हाथ ऐसा है, कुछ भी हो जाए वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये हॉरिजॉन्टल रखा था वेट डाउनवर्ड्स, ये एक इंक्लाइन पर रखा हुआ ब्लॉक है, वेट ऑलवेज डाउनवर्ड्स, ये एक बॉब है जो लटका हुआ है मास, इस पे वेट डाउनवर्ड्स, ये हॉरिजॉन्टल रखा हुआ था फिर भी वेट डाउनवर्ड्स, इस वाले में ये हैंग किया हुआ है फिर भी वेट डाउनवर्ड्स। तो यार क्लियर हो गया ना कि वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, और ये फोर्स तो होगा ही होगा अगर मास है तो। तो WNTA का W मींस वेट, गॉट इट। चलो बढ़ते हैं आगे, नॉर्मल रिएक्शन की तरफ आते हैं। नॉर्मल रिएक्शन क्या यार, नॉर्मल रिएक्शन मतलब भाई ऑब्वियसली न्यूटन साहब ने बोला ना, एक्शन लगाओगे तो रिएक्शन तो मिलेगी। तो भाई तुम किसी सरफेस पर खड़े हो और उस पर फोर्स लगाओगे तो रिएक्शन तो मिलेगी ना। तो नॉर्मल रिएक्शन सरफेस से परपेंडिकुलर, ध्यान से, सरफेस से परपेंडिकुलर, मैं ये नहीं कह रहा वर्टिकली अपवर्ड्स, सरफेस से परपेंडिकुलर, ये सरफेस है। तो नॉर्मल रिएक्शन इस ऑब्जेक्ट पर अगर देखोगे तो वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक, ये सरफेस है। काश ये हाथ थोड़ा सही होता, बट कोशिश करता हूं। ये सरफेस है, अब अगर ये सरफेस है मेरे पास तो इससे वर्टिकली अप परपेंडिकुलरली इस तरह से होगा अपवर्ड्स, ठीक है, ऐसा वर्टिकल, इस सरफेस से वर्टिकल। तो यार ये आ गया मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन, जहां कांटेक्ट होगा वही नॉर्मल रिएक्शन होगा, अलावा तो नहीं। अब ये दोनों हवा में लटके, कहां से नॉर्मल रिएक्शन होगा? इस केस में देखो जरा तुम, ये वाला ब्लॉक हवा में, इसमें नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा, बट इस पर देखो वेट डाउनवर्ड्स है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स है। तो भाई नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वो जो कॉन्टेक्ट की सरफेस है उससे नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा, इसलिए तो नॉर्मल आ रहा है ना, एन स्टैंड फॉर नॉर्मल रिएक्शन, अगर कॉन्टेक्ट है तो। टेंशन, क्या चाहते हो तुम अपने आप से यार? टेंशन को हमेशा दूर करना, भाई नहीं चाहिए मुझे टेंशन, और वैसे तो बाबा जी हैं, टेंशन की जरूरत नहीं है, बट व्हाट यू वांट, तुम नहीं चाहते टेंशन, और अगर तुम टेंशन नहीं चाहते तो अवे दूर। भाई ऑब्वियसली टेंशन स्ट्रिंग के अलोंग ही होगी ना, अभी मैं हाथ दे रहा हूं, पकड़ो मेरा हाथ, अब जस्ट इमेजिन कि मैं तुम्हारे हाथ को खींच रहा हूं, तो तुम्हारे हाथ में टेंशन कहां आएगी? तुम्हारे हाथ में टेंशन अगर मैं तुम्हारी साइड से देखूं तो मेरी तरफ आ रही है, मेरी साइड से देखूं तुम भी तो मुझे खींचोगे नहीं, तो यहां आ जाओगे तो मेरे से अवे। तो टेंशन इज ऑलवेज अवे अलोंग द स्ट्रिंग। देखो जरा गौर से, यहां दिखा देता हूं तुमको, ये बॉब है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक पर टेंशन कहां होगी? तो भाई थ्रेड तो ऊपर है ना, टेंशन तो थ्रेड के अलोंग होगी, तो देखो अपवर्ड्स। इस वाले ब्लॉक में कहां होगी टेंशन? अगेन अवे, उस ब्लॉक से दूर जाती हुई स्ट्रिंग के अलोंग। यहां पर देखो ये ऐसा है ना हॉरिजॉन्टल, तो भाई हॉरिजॉन्टली स्ट्रिंग से
अवे दूर की तरफ रहेगी। यहां वाले केस में भी देखो स्ट्रिंग से अपवर्ड्स है, क्यों है? क्योंकि ब्लॉक से अवे दूर जा रही है ब्लॉक से, तो ऑलवेज अवे। टेंशन नहीं चाहिए यार, टेंशन चाहिए ही नहीं, इसलिए ऑलवेज अवे अलोंग द स्ट्रिंग। एम ए भाई, ये जो है मुझे थोड़ा सा इसका इलॉजिकल वे ज्यादा पसंद है, बट ठीक है, तो मैं अभी थोड़ा लॉजिकल वाला वे देता हूं। पहले जब भी कोई बॉडी एक्सेलरेट करेगी तभी पिक्चर में आएगा एम ए, अदरवाइज एक्सेलरेशन नहीं है तो ए जीरो हो जाएगा ना। तो ये डब्ल्यू एन टी टेंशन और ए एम ए टाइप, ठीक है। अब ये क्या, तो जो भी नेट फोर्स होगा उसको एम ए से इक्वेट कर दो। ये ध्यान रखना, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में नेट फोर्स चाहिए, जो भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में नेट फोर्स बनेगा उसको एम ए से इक्वेट कर दो, कहानी खत्म, ठीक है। जो भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा उसको एम ए से इक्वेट कर दो, कहानी खत्म, ठीक। फ्रिक्शनल फोर्स, हम इसकी बातें बाद में करेंगे, बट यहां लिख दिया फ्रिक्शन इज म्यू एन, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, अभी ज्यादा बात नहीं कर रहा इस पर, एन नॉर्मल रिएक्शन है और ये हमेशा मोशन का अपोज नहीं करता, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। फ्रिक्शन तो मेरा सपोर्टर है भाई, अपोज नहीं करता, देख बताऊंगा मैं कहां कैसा सपोर्टर है। अब आ जाओ जरा स्प्रिंग फोर्स, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्सेस, वो दोस्तों को वो खींच खींच के कितनी बार मारी होगी रबर ना तुमने, वो एक रबर बैंड लिया, खींचा, फिर छोड़ा, फिर दोस्त का, और जैसे जैसे तुम खींचते जाते दोस्त का चेहरा अपने आप चेंज होता चला जाता है, बता रहा है बहुत तेज पड़ने वाली है यार, है ना। तो वो जो है ना, जितना खींचोगे, जितना एक्सटेंड करोगे और फिर छोड़ोगे तो उतना तेज पड़ेगा, यानी जितना एक्सटेंशन होगा, ये एक्स स्टैंड करता है एक्सटेंशन के लिए, जितना एक्सटेंशन होगा उतना फोर्स होगा। तो भाई एफ इज इक्वल टू के एक्स, के हो गई मेरे पास स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, एक्स हो गया वो एक्सटेंशन, कहानी खत्म। तो यार ये हो गया अपने पास सारे फोर्सेस, मुझे यहीं तक के याद रखने थे फ्रिक्शन वाले, और ये सब तो स्पेशल हैं, अलग से बात करेंगे, डब्ल्यू एन टी ए से मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। ये सारे फोर्सेस के बारे में बता दिया, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं यार अपन और उनको सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहले एक ब्लॉग रखा हुआ था, बोला इसका बनाओ आप डायग्राम, तो मैंने कहा डब्ल्यू एन टी ए, मुझे तो एक ही चीज सिखाई बाबा जी ने, ओके वेट, देखो वर्टिकली डाउनवर्ड एम जी, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर उस ब्लॉक पे, बिल्कुल ठीक है। टी टेंशन हो ही नहीं सकती, थ्रेड नहीं है, बचा क्या एम ए, एक्सेलरेशन नहीं है वो भी नहीं हो सकता, कहानी खत्म, एन इज इक्वल टू एम जी आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। दूसरा केस देखो, ये मैंने जानबूझ के रोक के रखा है भाई, ये थीटा है मेरे पास, बड़ा फेमस सा केस है ना, ये थीटा है, तो अगर आप इसको देखें तो वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, अगर देखें तो एन नॉर्मल रिएक्शन सरफेस से परपेंडिकुलर है, ये भी क्लियर हो गई। अब एक्सेलरेशन भी तो है ना, तो इसके लिए नेट फोर्स निकालना पड़ेगा ना एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, तो इस वेज वाले केस में हमेशा एक परपेंडिकुलर बनाओ, ये थीटा है, तुम ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो ये भी थीटा आएगा, आराम से ट्रिग्नो लगा के देख लेना। अगर ये डब्ल्यू है एम जी है तो इस साइड इसका कॉम्पोनेंट आएगा, क्या आएगा, कॉस थीटा, इस साइड आएगा W cos थीटा, इस साइड आएगा W sin थीटा, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पढ़ाया था ना वेक्टर का, वो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर लगाया है। अब देखो नीचे की तरफ कितना फोर्स है, सिर्फ एक ही फोर्स है W sin थीटा, तो भाई W sin थीटा इज इक्वल टू, मैंने कहा था ना जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में जो भी नेट फोर्स होगा उसको एम ए से इक्वेट करो, तो मिल जाएगा W sin थीटा इज इक्वल टू एम ए, यानी कि W को mg लिख देना तो भाई a आ जाएगा g sin थीटा, हो गया क्वेश्चन खत्म। और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसके बराबर है, W cos थीटा के। अब आ जाते हैं पुली वाली प्रॉब्लम पे, अलग से बात करेंगे अपन पुली प्रॉब्लम की भी, बट यहां पर भी देखो बहुत आसानी से बात की जा सकती है। भाई m1 को देखो, अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है, यहां से ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा होगा, तो इसमें एक्सेलरेशन ऊपर है, तो यार अगर देखो तो W हो गया नीचे की तरफ, वेट हो गया mg, m1g, टेंशन अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग ऊपर की तरफ, क्योंकि इस तरफ ही अवे होगा, स्ट्रिंग इसी तरफ है, बचा क्या, नॉर्मल रिएक्शन हो नहीं सकता, अब बचा क्या, एक्सेलरेशन के कारण, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ क्या आएगा, t माइनस m1g आएगा कि नहीं, क्योंकि नेट ऊपर की तरफ टेंशन है, नीचे की तरफ m1g है, और जा तो ऊपर रहा है ना, एक्सेलरेशन ऊपर है, तो यानी कि t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a, ये आ जाएगी आपकी पहली इक्वेशन, ma को भी कंसिडर कर लिया,
दूसरे वाले केस में देखो, M2 को देखो, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, M2G, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, टेंशन जा कहां रहा है, नीचे जा रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो नेट फोर्स होगा उसको MA से इक्वेट करो और नीचे की तरफ नेट फोर्स होना चाहिए, यानी कि M2G माइनस टी इज इक्वल टू M2A। भाई दो इक्वेशन है बनवा दी और डिटेल में पुली वाले वीडियो में बताऊंगा। आ जाओ जरा जल्दी से इस डायग्राम पे भी। यहां पर देखो टेंशन अवे ब्लॉक M1 से, M1G नीचे, W हो गया, N हो गया, T हो गया और एक्सेलरेशन आगे की तरफ जा रहा है तो पीछे। भाई कुछ भी मिस नहीं किया मैंने WNT में से। तो यार यहां पर क्या हुआ, ये यहां पर सिंपल हुआ भाई, ऊपर नीचे वाले तो इक्वेट हो जाएंगे, आगे की तरफ कौन सा फोर्स है, टेंशन, तो भाई T इज इक्वल टू क्या मिल गया, M1A। खत्म। जो नेट फोर्स है उस डायरेक्शन में उसको MA से इक्वेट कर दो। अब देखो नीचे की तरफ क्या है, M2G, W, टेंशन टच कर नहीं रहा तो नॉर्मल रिएक्शन है नहीं, कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है, M2G, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A। अब भाई तुम्हें बस इसको सॉल्व करना रह गया है, इसको सॉल्व कर देना तो यही आंसर आ जाएंगे, टेंशन का भी और एक्सेलरेशन का भी। और पहले जल्दी से ले लो तुम इसका स्क्रीन शॉट। वापस तो भाई ये हो गया तुम्हारे पास FBD के बारे में इंफॉर्मेशन। भाई जितनी प्रैक्टिस करोगे ना FBD की उतना सीखते चले जाओगे और आने वाले कुछ वीडियोस में बहुत सारे FBDs तुमसे बनवाऊंगा तो तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई दम है इसमें। तो भाई लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना, धमाकेदार एंट्रीज करते रहना दूसरी जगहों पर भी, ताकि लोगों को पता चलता रहे कि बाबा गैंग क्या कर रहा है। तो इस वीडियो में तो इतना ही। जय हो।